या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमो। जय माता दी। माँ तेरा सारा चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सबको विदित है कि हम यहाँ पर माँ बगलामुखी की महिमा सुन रहे हैं। पिछले वीडियो में माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ वह सुना, और कैसे नमक वाले किरडे में सुरा नामक स्थान पर पहुँची, और कैसे चंद्रभानु नामक राक्षस को मारा वह सुना, और आगे कैसे लोगों की मनोकामना पूर्ण की वह सुनेंगे। अब आगे इस मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई 10,000 फुट है, जबकि शिकारी मां की ऊंचाई 11,500 फुट है। इस मंदिर के उत्तर की ओर 200 मीटर पर श्री देव मतरोड़ा श्री विष्णु रूप का प्राचीन मंदिर है, तथा मंदिर के दक्षिण की ओर जोगिनी माता का पुराना स्थान है। मंदिर के दक्षिण की ओर 50 मीटर पर एक तालाब था, जिससे कुम्हार घड़े के आवा के लिए पानी लाते थे। वहाँ जंगल के राजा द्वारा एक गाय मारने पर यह तालाब सारे का सारा सूख गया। तालाब का निशान आज भी विद्यमान है। मंदिर के चारों ओर खाली जगह थी, जिसमें लोग गायों को घास चराने के लिए ले जाते थे। एक व्यक्ति ने देवी माँ से प्रार्थना की कि मेरी गाय नए दूध हो जाती है तो मैं आपको इसे नहलाऊंगा, तथा मंदिर के चारों तरफ घी घी लगाऊं। माँ की कृपा से वह गाय नए दूध हो गई। कुछ ही महीनों के बाद गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। गाय दूध देने लग पड़ी। उस व्यक्ति ने माँ को घी से नहलाया तथा मंदिर के चारों ओर घी ही घी लगाया। उसने लोगों को इस गाय की पूरी बात बता दी। लोग देवी माँ के इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। आज भी लोग गायों के नए दूध के लिए देवी माँ से प्रार्थना करते हैं। किसी व्यक्ति को यदि भूत प्रेत की समस्या आती है तो उसे देवी माँ रात्रि समय में दूर कर देती है, क्योंकि इस देवी ने बड़े बड़े खूंखार राक्षसों को अपनी शक्ति से खत्म कर डाला था। जय माता।